भूकंप विज्ञान, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? यानी कि पृथ्वी के अंदर कंपन होना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की हलचलें होती रहती हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो भिन्न भिन्न पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी अपन पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं और उन प्लेटों के कारण ही भिन्न प्रकार की गतियाँ होती हैं। प्लेटों में जो गतियाँ होती हैं उन गतियों के कारण जो चट्टानी पदार्थ होते हैं वो द्रव अवस्था में आ जाते हैं, और जब ये चट्टानें एक दूसरे की दिशा के अंतर्गत या अपसारी अभिसारी गति करती हैं तो उनके कारण प्लेटों में परिवर्तन होते हैं, और प्लेटों में परिवर्तन के कारण ये भूकंप की स्थिति पैदा होती है। भूकंप भूकंप विज्ञान यानी कि भूकंप का जो संपूर्ण अध्ययन है वो क्या कहलाता है? भूकंप विज्ञान कहलाता है। भूकंप मूल, जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है जिसको भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप अधिकेंद्र, जहाँ सबसे पहले भूकंप की तरंगों का मापन किया जाता है या महसूस की जाती है उसको अधिकेंद्र बोला जाता है, जो कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। और भूकंप छाया क्षेत्र, जहाँ तक भूकंप की तरंगें महसूस की जाती हैं, कंपन होता है वहाँ तक उसको भूकंप का छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो इस तरह से ये भूकंप की तरंगों का जो अंकन किया जाता है वो रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है, और इनकी जो तीव्रता होती है वो 1 से 12 तक होती है। लेकिन 8 रिएक्टर तक के जो भूकंप होते हैं वो भी विनाशकारी होते हैं, और 4 से 5 तक के जो भूकंप होते हैं वो अपेक्षाकृत कम विनाशकारी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी तीव्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये अधिक विनाशकारी होते हैं। भूकंप के अंतर्गत 3 प्रकार की तरंगें चलती हैं, जिनमें सबसे पहले प्राथमिक तरंगें, जिनको प्राइमरी वेव के नाम से भी जाना जाता है, और प्राइमरी वेव जो होती हैं वो सब भूकंप मूल में सबसे पहले प्रारंभ होती हैं। इनकी गति जो होती है वो प्रकाश की गति के समान होती है, और प्रकाश की गति के समान ये अधिकेंद्र की तरफ दौड़ती हैं। इस तरह से प्राथमिक जो तरंगें चलती हैं, जहाँ भूकंप के मूल से प्रारंभ होती हैं, भूकंप मूल से प्रारंभ होकर ये ऊपर की ओर दौड़ती हैं, तो यानी कि ठोस भागों के अंतर्गत इनकी गति होती है, जबकि द्रव अवस्था के अंतर्गत इनकी गति नहीं होती है। दूसरा, एस तरंगें होती हैं। एस तरंगें जो होती हैं यानी कि सेकेंडरी वेव, इनकी गति जो होती है ध्वनि तरंगों के समान होती है, और ये जब चलती हैं तो यानी कि अपेक्षाकृत ये मार्ग में मुड़ते हुए चलती हैं, जिसके कारण इनको सेकेंडरी वेव के नाम से जाना जाता है, यानी कि द्वितीय तरंगों के नाम से भी इनको कह सकते हैं। इनकी गति 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के अंतर्गत होती है, जबकि प्राइमरी वेव की जो गति होती है वो यानी कि 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी अधिक होती है। तीसरी जो होती है वो होती है धरातली तरंगें, वर्टिकल वेव्स। धरातली तरंगें जो होती हैं यानी कि धरातल के ऊपरी भाग के अंदर चलती हैं, जिनको धरातली तरंगों के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। इनकी जो गति होती है वो अपेक्षाकृत बहुत ही धीमी होती है, लेकिन ये सबसे अधिक विनाशकारी भी होती हैं, क्योंकि सबसे अधिक जो परिवर्तन होते हैं वो धरातलीय तरंगों के माध्यम से ही किया जाता है। तो इस तरह से यानी कि धरातलीय तरंगें जो होती हैं यानी कि ऊबड़ खाबड़ स्थिति के अंतर्गत चलती हैं, और जब ये धरातलीय तरंगें चलती हैं तो यानी कि इनसे भूकंप के अंतर्गत जो क्षति होती है वो इन्हीं तरंगों से होती है। तो इस तरह से यानी कि भूकंप के अंतर्गत 3 प्रकार की तरंगें चलती हैं, लेकिन विश्व के अंतर्गत आए गए भूकंपों में जो तरंगें पाई गई हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की तरंगें भी पाई गई हैं, जैसे पी जी, एस जी,
इनकी जो गति होती है वो पी तरंग और एस तरंगों से भी भिन्न होती है। तो इस तरह से यानी कि भूगर्भ के अंतर्गत जो भूकंपीय तरंगें चलती हैं वो यानी कि वहाँ की स्थिति के आधार पर निर्भर करती हैं और पदार्थ की स्थिति के आधार पर इनका इनकी गति निर्धारित होती है। यदि पदार्थ की स्थिति भिन्न होती है तो इनकी गति भी भिन्न हो जाती है। तो इस तरह से भूकंपीय जो तरंगें चलती हैं वो यानी कि अलग अलग उनके अंतर्गत चलती हैं। क्रोशिया की गलवा घाटी जिसके अंतर्गत भिन्न प्रकार की तरंगों का पता लगाया गया जो कि गति और पदार्थ की भिन्नता के आधार पर उनकी जो मार्ग थे मार्गों में गति जो थी वो भिन्न थी। तो इस तरह से इनकी गति में भी परिवर्तन होते हैं। भूकंप जो पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं इनसे कई प्रकार के परिणाम सामने आते हैं जो कि विनाशकारी भी हो सकते हैं और रचनात्मक भी हो सकते हैं। विनाशकारी यानी कि जिनसे विनाश की संभावना अधिक होती हैं और परिवर्तनकारी यानी कि जिनसे कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे कि कहीं मीठे पानी के स्रोतों का निर्माण हो जाता है, कहीं दरारी घाटी का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह रचनात्मक परिणाम भी सामने आते हैं और कुछ विनाशात्मक परिणाम भी आते हैं। जो विनाशात्मक परिणाम हम देखते हैं ही हैं कि विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण है या विभिन्न प्रकार के घाटियों का निर्माण है, तो वो एक विनाशात्मक परिणाम के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से भूकंपीय घटनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो परिणाम हैं वो स्पष्ट देखे जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भूकंप विज्ञान के आधार पर जो परिवर्तन हैं वो देखने को मिलते हैं।